दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर जाते हैं, इतने अधिक सक्सेसफुल बन पाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। स्टीफन कोवे कहते हैं कि आप अपने करियर, फिटनेस, रिलेशंस और जीवन में कितने सफल होंगे, ये आपकी आदतें यानी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो आप बार बार कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सोचते या करते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका बिहेवियर और करेक्टर डेवलप होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी सात आदतें हैं जो सभी सक्सेसफुल लोगों में देखी जाती है और जिसको अपनाकर आप हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी समस्याएं होती है उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतना ही पड़ता है जितनी अनुमति हम उन्हें खुद देते हैं। अक्सर रिएक्टिव लोग अपने घर, ऑफिस या रिलेशंस में कुछ भी गलत होने पर पूरा दोष सिचुएशंस, किस्मत या सामने वाले व्यक्ति पर डाल देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग उसी सेम सिचुएशन में रिएक्ट न करके अपनी सारी एनर्जी और फोकस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं और इसे ही प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? प्रोएक्टिव रहने का मतलब है अपने जीवन, इमोशंस और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। सक्सेसफुल लोग ये बात समझते हैं कि हमारे पास अपने रिएक्शन को चुनने की चॉइस है। किसी भी समस्या में परेशान होना है या परेशानी का डटकर सामना करना है, ये ऐसे रिएक्शंस है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी घटना पर इम्पल्सिव या जल्दबाजी में कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, बल्कि संयम और धैर्य पूर्वक सोचने के बाद ही कोई डिसीजन और एक्शन लें। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनील कहता है कि यार, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। ये एक रिएक्शन है जिसको प्रोएक्टिव होकर ऐसा सोचा जा सकता है कि मुझे अपने थॉट्स, अपनी बातों को और क्लियर और इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने की जरूरत है। मैं आज ही से इस पे काम करने का फैसला करता हूँ और सभी लोगों को कन्विंस करके दिखाऊंगा। ऑथर कहते हैं कि हम सभी की लाइफ हैबिट्स सर्कल ऑफ कंसर्न या फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे टिकी है, यानी कि आप जिस चीज पर जितना ज्यादा फोकस करते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोएक्टिव लोग हर एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, यानी कि वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, जिसको ऑथर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कह रहे हैं। ऐसे लोग परिस्थितियों के मोहताज ना बनकर अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। वे ये बात समझते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है उसे पूरी तरह वे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन सभी घटनाओं में वो कैसे रिएक्ट करें ये उनकी जिम्मेदारी है। वही रिएक्टिव लोग सेम प्रॉब्लम में एक्शंस लेने के बजाय सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशंस या लोगों को ब्लेम ही करते रहते हैं, जिससे अल्टीमेटली उनका सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, हम में से काफी लोग बिना किसी ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टर्म गोल के ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, तो आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा घट जाती है। इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले एक क्लियर गोल सेट करें और ये भी मेक श्योर करें कि आपका कोई भी एक्शन आपकी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सके। अगर आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने दिमाग में एंड रिजल्ट को विजुलाइज कर पाते हैं, तो आपके गलत एक्शन लेने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है या फिर अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, तो उसे अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाएं और आप विजुलाइज करें कि आपको किस तरह के एक्शंस और डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे अगर आपका गोल अपनी जॉब में सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, तो उस पोजीशन को विजुलाइज करें। वहां पहुंचने के लिए कैसे डिसीजन लेने चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, नेटवर्किंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उन सभी करियर स्टेप्स से रिलेटेड छोटे छोटे डेली एक्शंस लेना शुरू करें। एक्शन लेते समय इस चीज का भी ध्यान रखें कि कोई भी गोल, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उसको अचीव करने के लिए आपकी कोर वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी को सैक्रिफाइस ना हो पाए। जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए अगर आप डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन या अदर अनएथिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में शायद सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन रियल सेंस में आप सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, हैबिट 1 और हैबिट 2 हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्लियर गोल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज अप्रोच चाहिए, जिसको आप हैबिट 3 से अडॉप्ट कर पाएंगे। ये हैबिट अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है, मतलब उन काम को पहले करना जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर है, तो आप ऐसी किसी भी चीज पे समय बर्बाद नहीं करेंगे जो यहाँ पे टाइम किलर है।
फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक आपको एक इम्पोर्टेंट पीपीटी सबमिट करनी है या आपका फाइनल एग्जाम है, लेकिन आपके घर में आपके कजन की शादी भी है, तो यहाँ पर आप ऑथर के बताए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बिकॉज द चैलेंज इज नॉट टू मैनेज टाइम बट टू मैनेज आवरसेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको सिंपली पेपर के ऊपर चार बॉक्सेस बनाने हैं। पहले क्वाड्रेंट में आपको वो सारे काम रखने हैं जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, जैसे कोई इवेंट या फैमिली फंक्शन अटेंड करना। नेक्स्ट क्वाड्रेंट है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे नेक्स्ट वीक आपका फाइनल एग्जाम या पीपीटी सबमिट करना। क्वाड्रेंट 3 है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे कोई कॉल मीटिंग अटेंड करना, मेंस का रिप्लाई करना, या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना। और फोर्थ क्वाड्रेंट है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टीवी वॉच करना या दोस्तों के साथ टाइम पास करना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टाइम यानी कि समय एक लिमिटेड रिसोर्स है और इसे सही ढंग से मैनेज करके ही आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ऑथर कहते हैं द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको क्वाड्रेंट 2 यानी कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट टास्क पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सभी टास्क आपको आपके मिशन, वैल्यूज और हाई प्रायोरिटी गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। दोस्तों हैबिट 1 से लेके हैबिट 3 हमारे अंदर इंडिपेंडेंट बिहेवियर को डेवलप करती है, लेकिन लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अक्सर हमें दूसरों की हेल्प भी लेनी पड़ती है, यानी हम सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इसी के चलते हमें अपने कॉलेजेस, स्कूल, ऑफिसेस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस को भी मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में विन विन मेंटालिटी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है ऐसे सोल्यूशन ढूंढना जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि जिंदगी हम सभी को इनफ अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज देती है जिससे हम सभी लोग सक्सीड कर सकते हैं। विन विन माइंडसेट को डेवलप करने से आप और ज्यादा क्रिएटिव, ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल बनते हैं, जिससे आपके सभी रिलेशंस और ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग हो जाते हैं। जब हम ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो, तो इससे सभी लोगों का आपके लिए विश्वास और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे सिर्फ विन लूज मेंटेलिटी के साथ चलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के जीतने के लिए दूसरे व्यक्ति का हारना जरूरी है, तो ये मेंटेलिटी आपके अंदर कंफ्लिक्ट और एंगर को बढ़ाती है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों किसी से बात करते समय आमतौर पर हम पहले ये कोशिश करते हैं कि हमें समझा जाए, हमारी बात को स्वीकारा जाए, बट इस चक्कर में हम बिना सुने या तो सिर्फ बोल रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं कि कैसे सामने वाले को जवाब दें। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बिना जजमेंटल होए अपने बायसेस को किनारे रखकर दूसरों की बात को सुनना चाहिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम चीजों को उनके परसेप्शन से देखते हैं और ऐसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो, यानी कि विन विन सिचुएशन आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज और कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है तालमेल बनाना। जो भी पर्सन आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल या टॉप पर दिख रहा है, उसके पीछे उसकी एक टीम हमेशा उसके साथ होती है। सिनर्जी को प्राप्त करने के लिए आपको ये समझना होगा कि सिनर्जी सभी पिछली 5 हैबिट्स का रिजल्ट है। इसके लिए आपको विन विन मेंटालिटी, गोल्स की क्लैरिटी और अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल पर गहरा विश्वास होना चाहिए, तभी आप लोगों के साथ मिलके उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करके एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट कॉम्पिटिशन, इट इज अबाउट कोलैबोरेशन। किसी भी टीम में जब अलग अलग बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वाले लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो टीम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फिल्म की सफलता के लिए उसकी स्टोरी, म्यूजिक, कास्ट, टेक्नीशियंस सभी का कोलैबोरेशन होना जरूरी है, तभी वो फिल्म सक्सेसफुल बन पाती है। लेकिन यहाँ पे सिनर्जी का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के आइडियाज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट या डिस्कार्ड कर दें, बल्कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव और सोल्यूशन मिलकर फाइंड किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट करना ही सिनर्जी है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। जैसे दोस्तों किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपको अपनी सॉ यानी कि आरी को शार्प रखना पड़ता है, उसी तरह हमारी बॉडी, माइंड, इमोशंस का सही ढंग से काम करने के लिए इन्हें टाइम टू टाइम पर रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है। और जब हम इन चीजों को अनदेखा करके लगातार काम ही करते रहते हैं, तो हमें थकान, तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक का अनुभव हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे वर्क और हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। अपने सॉ को शार्पन करने के लिए आप इन 4 एरियाज को इम्प्रूव करें। सबसे पहला है फिजिकल। अगर आप बीमार या अनहेल्दी रहेंगे तो आप कभी भी लाइफ के चैलेंजेस और डिमांड को फेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मेंटल रिन्यूअल के लिए आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, नए एक्सपीरियंस लें, म्यूजिक सुने
बुक्स और सेल्फ हेल्प वीडियोस देखें और मेडिटेशन को भी जरूर प्रैक्टिस करें। इमोशनल रिन्यूअल के लिए आपको अपनी हॉबीज पैशन पे ध्यान देना होगा, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपका सोशल सर्कल भी बेटर हो सके। फाइनली स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए आपको नेचर या भगवान से जुड़ना होगा, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें और वो सभी काम करें जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। तो दोस्तों ये थी 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जरूरी नहीं है कि आप इन सभी हैबिट्स को एक साथ अडॉप्ट करें, आप छोटे छोटे एक्शंस लेके भी एक एक हैबिट को जीवन में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें।